सबसे पहले आप सभी दोस्तों को हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज हम देसी तरीका से देसी चिकन बनाने जा रहे हैं, वो भी आपको लाइव वीडियो में बना के दिखाऊंगा। देसी चिकन जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, पहले देसी मुर्गा को लिया गया है। अब इसको दोस्तों सबसे पहले गर्म पानी में डुबा दें। डुबाने के बाद दोस्तों इसका पंख उखाड़ने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं पंख उखड़ गया है। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद दोस्तों आपको इसको कुछ देर तक आग पे पकाना है ताकि इसके अंदर का रुआ जल जाए, छोटा छोटा जो बाल होता है वो जल जाए। और इसको दोस्तों सही तरीके से पकाने के बाद अब इसका हम पीस बनाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम मीट के जैसा लग रहा है दोस्तों ये देसी चिकन। और आज का ये दोस्तों देसी चिकन डिश बहुत ही सुंदर बनने वाला है। आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। सबसे पहले अभी हम पीस बनाने जा रहे हैं, पीस बना रहे हैं। पीस बनाने के बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस हम लोग देसी चूल्हा पे करेंगे। यहाँ पे कटाई हो रही है मीट की, वो भी अच्छे तरीके से दोस्तों। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको भी पीस बना लेना है। उसके बाद इनको दोस्तों अच्छे तरीके से फिर से दोबारा धो लेना है ताकि इनके अंदर जो भी धूल मिट्टी लगा हो वो सही तरीके से धुल जाए। इसको दो तीन पानी से धोए दोस्तों। अब चलते हैं मसाले में। मसाले में दोस्तों सबसे पहले आपको लहसुन लेना है, जैसा कि हम लहसुन को ले लिए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको प्याज का कटिंग कर लेना है। हम प्याज को पतला पतला दोस्तों कटिंग कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। प्याज कटिंग होने के बाद दोस्तों हम लोग हरी मिर्च लेंगे, क्योंकि चिकन में हरी मिर्च डालने के बाद उसका मज़ा ही कुछ अलग रहता है। अब हम लोग सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे दोस्तों। ये देसी चूल्हा तैयार है और संठी के आँच पर आज हम लोग चिकन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दोस्तों चूल्हा को पहले जला लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का डिश दोस्तों देसी चिकन बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। आप लोगों के बड़े ही काम का ये वीडियो है दोस्तों। आप लोगों भी अपने घर पर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं सरसों का तेल ले लिया दोस्तों। सरसों का तेल लेने के बाद इसमें सबसे पहले प्याज को डाल दें। तेल पूरे तरीके से गर्म हो जाने के बाद सबसे पहले प्याज को डाल दें। इसलिए का सब ये मेरे को मुश्किल नहीं डालिए। क्योंकि वो अपनी जगह है, क्योंकि उसका डर दिया था ना, जरूरी देख सकते हैं। अब ये प्याज ग्रोल हो चुका है, ठीक है, ठीक। और अदरक लहसुन भी, और हमने ये चिकन को हाफ भून दिया है। हाँ, अब ये इसका स्मेल ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम ये मैया पाउडर यानी कि हल्दी डालेंगे अपने अनुसार से, आप चाहे जितना डालें, लेकिन एक किलो के लिए इतना काफ़ी है। और ये आपका जो है कि हल्दी पाउडर जल गया है, और ये रेड चिल्ली पाउडर है जी, और कश्मीरी लाल मिर्च भी है, ये धनिया पाउडर, और यह भी देख लीजिए धनिया पाउडर। अपने अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, बाकी ये बहुत ज़रूरी है डालना। ये चिकन के अंदर एक फ्लेवर लाएगा अलग से, टेस्ट खुशबू। ये गरम मसाला पाउडर है,
बस लगने नहीं देना है इसको, ध्यान रखिएगा। ये चिकन मसाला हो गया स्पेशल जी, और बाकी जो है कि हम लोग खुद अपना हाथ से इसके अंदर हरी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, जायफल, ये सब जो है कि कौन कौन से मसाला मिक्स किए हैं इसमें। इसके अंदर जो है कि जावित्री है जो गरम मसाले के अंदर, हाँ, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और अदरक लहसुन का पेस्ट है जी, और प्याज है इसके अंदर, और इसकी बुनाई चल रहा है सर, बाकी तैयार है लेकिन थोड़ी बुनाई इसकी चलेगी अभी चलेगी, क्योंकि चिकन को अगर आप जितना भुनेंगे उतना टेस्ट आएगा, और हल्के आँच पे, हल्के आँच पे जी। अभी ये क्या ऐसे भुना बनेगा या पेस्ट वाला बनाएंगे? ये जो है ना ग्रेवी वाले बनाएंगे हम, आप चाहते हैं अगर हमको भुना हुआ खाना है तो मुश्किल नहीं है, इसमें से आप अलग से निकाल सकते हैं, यस डालिए, पानी छोड़ेगा बस रहेगा। अभी ये जो है सोल्ट है, नमक, जैसे ही प्याज जल जाएगा ना वैसे ही इसका जो है कि ग्रेवी तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं वाटर डाल रहा हूँ पानी, ताकि ये नीचे से थोड़ा लग रहा है ना वो बेहतरीन तरीके से पकेगा और जलेगा, जलेगा नहीं क्योंकि जलना नहीं चाहिए, अगर अब तक ये पकड़ लेता है कढ़ाई तो फिर टेस्ट के अंदर फर्क आ जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को, है क्योंकि ये देसी चिकन है तो ये थोड़ा देर में गलता है, फार्म का होता तो कपड़ा पकड़िए कपड़ा से, ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये जो चिकन है ये देसी है, और थोड़ा और डालिए आ जाएगा फार्म को, उसको भी यहाँ ला के ऐसे बनाएंगे। गार्निश ग्रीन लहसुन, ये आप देखिए हमारा चिकन जो है लगभग पक चुका है, अभी मैं इसको करीब 10 मिनट और पकाऊंगा, और ये ग्रीन धनिया है, समझ लीजिए अगर चिकन में अगर हरा धनिया ना डले तो फिर चिकन का मज़ा ही अधूरा है। ये हाजमे के लिए है, अब ये 10 मिनट के बाद हम इसको, ये हम बना रहे हैं लकड़ी के आंच पे, और वो भी जो है कि ये देसी संठी के साथ सोन तैयार किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों हमारा, समझ दीजिए दो दो पीस खा के दोस्तों टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है, बहुत ही काफी ज्यादा स्वादिष्ट बना होगा दोस्तों। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्ट है।